हाय गाइस, आज हम लोग इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, क्यों हमें इनहेरिटेंस की आवश्यकता पड़ती है, कब इसका आप इस्तेमाल करेंगे और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस के बिना अधूरा है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन काम कर पाएगा हमारे जी हमारे काम को आसान बनाने के लिए। सो समझते हैं कि वाई डू वी नीड इनहेरिटेंस। सपोज़ कि एक मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम मैंने लिख दिया है एम्प्लॉई और यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है बाय डिफ़ॉल्ट। इस क्लास का नाम मैंने एम्प्लॉई लिखा, इसका मैंने एक क्लास वेरिएबल बनाया जो कि आईडी इक्वल 1 है। अभी क्लास वेरिएबल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। अगर आपने मिस किया है वो वीडियो तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा पहले। सो इस क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक क्लास मेथड बनाते हैं, और मैंने एक क्लास मेथड बनाया जिसमें लिखा def get id cls पैरामीटर में और रिटर्न कर दिया मैंने cls.id, तो मुझे ये 1 एक्सेस होकर मिल जाएगा ये इस फंक्शन के द्वारा। बहुत अच्छी बात है। एक और फंक्शन मैंने बनाया जिसका नाम है सेट नेम और इसमें नेम चलाएगा। इसी तरीके से एक और मैंने बनाया गेट नेम, इससे मुझे ये नाम मिल जाएगा। देन उसी तरीके से सेट सैलरी, इसके बाद गेट सैलरी और सेट ओवर टाइम और गेट ओवर टाइम। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, होपफुली किसके बारे में मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आप लोगों को सभी को पता होगा ये इंस्टेंस मेथड है। एक तो क्लास मेथड है और बाकी सारे इंस्टेंस मेथड है हमारे सेटर और गेटर के तौर पर, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ। ऐसा सोचिए इसको कि एक कंपनी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जहाँ पर मुझे कहा गया है कि आपको एम्प्लॉई का रिकॉर्ड रखना है। तो क्या क्या रिकॉर्ड रखना है, उसका रिकॉर्ड रखना आईडी, देन उसका नाम रिकॉर्ड रखना है, देन मुझे उसकी सैलरी रिकॉर्ड में रखनी है, देन वह कितना ओवर टाइम कर रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे रिकॉर्ड में रखने को कहा गया है। कंपनी के जो ऑनर हैं या फिर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर जो काम काज देखता है उसने मुझसे ये कहा, तो उसके लिए मैंने ये क्लास बना लिया कि इस ये क्लास है मेरा, तो मैं ये सारे डेटा रख लूँगा सेव करके। अभी उसने कहा कि एम्प्लॉई के साथ आप हमारी कंपनी में जो मैनेजर हैं उसका भी आपको डेटा रखना है। तो मैनेजर का क्या क्या रखना है, तो मैंने कहा कि भैया बताइए क्या क्या मैनेजर का रखना है। तो मैनेजर के लिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, सो मैंने लिखा क्लास मैनेजर, देन मैनेजर की अपनी आईडी, देन ये चूँकि एक क्लास वेरिएबल है तो इसका एक क्लास मेथड मैंने बनाया इसको एक्सेस करने के लिए। देन इसी तरीके से इसका नाम यानी कि सेट नेम, उसी तरीके से गेट नेम, उसी तरीके से सेट सैलरी, देन गेट सैलरी। मैनेजर है तो ये रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को, तो उस सीनियर का नाम भी होना चाहिए, तो सीनियर नेम, लास्ट में गेट सीनियर नेम। सो ये पूरा मैंने दो क्लासेस बनाए अलग अलग, जिसमें कि मैं एक एम्प्लॉय का डेटा रख लूँगा और एक में मैनेजर का डेटा रख लूँगा। अगर आप इन दोनों क्लास को, ये दोनों क्लास एक प्रोजेक्ट के हैं, इन दोनों क्लास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रिडंडेंट डेटा दिखाई देगा, जैसे कि आईडी सेम है, ये क्लास मेथड सेम है, सेट नेम सेम है, गेट नेम सेम है, सैलरी सेम है, गेट सैलरी ये भी सेम है, इतनी सारी चीज़ें जो है सेम है। बाकी ये नहीं मिल रहा, ओवर टाइम सिर्फ इसमें है बट इसमें नहीं है, मैनेजर वाले में नहीं है, और मैनेजर में ये सेट सीनियर नेम है बट ये एम्प्लॉय में नहीं है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो ये तो ठीक है। लेकिन बाकी के जो डेटा आप देख रहे हैं, ये आईडी, ये क्लास मेथड, ये सेट नेम गेट नेम, सेट सैलरी गेट सैलरी, ये सारे के सारे मिल रहे हैं दोनों क्लासेस से। तो इनहेरिटेंस आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आप दो बार क्यों लिख रहे हैं इन सब चीज़ों को, जो कि दोनों में ही सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो इनहेरिटेंस आपको क्या कहता है कि आप दो बार मत कीजिए, आपका प्रोजेक्ट सेम है और आप सेम पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपको नाम सेव रखना है, नाम देखना है, सैलरी सेव करना है, सैलरी देखना है, तो फिर आप अलग अलग मत बनाइए। आप क्या कीजिए कि सिर्फ एम्प्लॉई क्लास में इसको बना दीजिए, देन एम्प्लॉई क्लास से इनहेरिट कर लीजिए मैनेजर में, तो आपको इसको बार बार लिखने की, यानी कि यहाँ पर दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनहेरिट करने से क्या होगा कि इस यानी कि एम्प्लॉई के पास जितने भी मेम्बर्स हैं, लाइक क्लास वेरिएबल है, क्लास मेथड है, इंस्टेंस मेथड्स हैं, ये सारे के सारे इनहेरिट होकर चलाएंगे कहाँ पर, क्लास मैनेजर के पास। तो ये क्या करेगा, ये इन सब को एक्सेस कर पाएगा, इनका यूज़ कर पाएगा, तो इनको अपने यहाँ ये सारी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्या करेगा, सिंपली इन फंक्शंस को कॉल कर लेगा यहाँ पर, या फिर जैसे भी यूज़ करना हो यूज़ कर लेगा और अपना काम कर लेगा। इससे क्या होगा, इससे रिडंडेंट डेटा नहीं होगा, यानी कि जो बार बार आपको लिखना पड़ रहा है कोड सेम पर्पज़ के लिए, वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपका कोड छोटा होगा, छोटा कोड
कम दिमाग का दही, हमेशा याद रखिएगा। जितना कम कोड आप लिखते हैं उतना आपका दिमाग का दही कम होगा। ज़्यादा कोड लिखिएगा, मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, बग फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। आप जब 2 महीने के बाद कोड देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। सो यहाँ पर हमें फीचर मिल जाता है कि आप इसी कोड को दोबारा से ना लिखें, बल्कि जो है उसी को इनहेरिट कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। सो इससे क्या हुआ, इससे हमारा कोड को मेंटेन करने का जो टाइम है वो रिड्यूस हुआ, हम जल्दी से जल्दी इसको मेंटेन कर पाएंगे। हमें ज़्यादा कोड लिखने की, सेम कोड बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का हमें फ़ायदा मिलता है अगर हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस तो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा वेरिएबल या फिर कौन सा मेथड रिडंडेंट हो रहा है। मतलब कौन सा मेथड, कौन सा वेरिएबल दोनों क्लास में सेम है, या तो दिखाई दे रहा है ना, मैंने इसे लिखा हुआ है इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको नेचर समझना पड़ता है ना कि नाम। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सेट सैलरी मैंने यहाँ लिखा और गेट सैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट सैलरी और गेट सैलरी। आपको क्या लगता है कि दोनों सेम है, नाम सेम है? तो नहीं जी, दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? अगर आप नेचर की बात करें तो एक एम्प्लॉई का जो सैलरी कैलकुलेशन होता है वह अलग तरीके से होता है, और एक मैनेजर का जो सैलरी कैलकुलेशन होता है वह अलग तरीके से होता है। कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉई हो सकता है कि मार्केटिंग वाला हो तो इसको इंसेंटिव मिलेगा, या फिर वो बाइक से कहीं कुछ जाता हो, आता जाता हो, तो उसको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। लेकिन मैनेजर तो कुर्सी में जमा हुआ है तो उसको तो ये सारी चीज़ें मिलनी नहीं है, तो उसका सैलरी अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। तो आप इसका वाला यूज़ नहीं कर सकते। मैं बस ऐसे ही आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है कंपनी में। तो आपको नाम नहीं देखना होता है बल्कि उसका नेचर देखना होता है, इसके अंदर की फंक्शनैलिटी क्या होगी वह आपको पकड़नी पड़ती है, तभी जाकर आप दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ऐसे सिर्फ नाम से डिफ्रेंशिएट आपको नहीं करना है, रियल प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये सैलरी का नाम सेम है बट इनका नेचर सेम नहीं है। इसी वजह से क्या होगा कि हमें इसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और बाकी ये तो अलग है ही, तो ये दो मेथड अपनी अपनी जगह पर रहेंगे ही रहेंगे। ओके, सो इसी कोड को अगर इनहेरिटेंस का मैं यूज़ करूँ और इसी कोड को इनहेरिटेंस का यूज़ करके अगर मैं लिखूँ तो ये कैसा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पेरेंट क्लास जिसमें ये सारे हम लोग मेम्बर्स लिखेंगे, जिसमें आईडी है, देन क्लास मेथड है गेट आईडी के लिए, देन सेट नेम है, गेट नेम है, सेट सैलरी है, गेट सैलरी है, और सेट ओवर टाइम है और गेट ओवर टाइम है। और इनहेरिट कर रहे हैं इससे हम लोग एक चाइल्ड क्लास जो कि क्लास मैनेजर है। अभी देखिए क्लास मैनेजर में बहुत सारा कोड लिखा होता, बट इनहेरिटेंस की वजह से सिर्फ इतना ही कोड हमें लिखना पड़ रहा है। और कौन सा कोड हमने लिखा हुआ जो यहाँ से हम यूज़ नहीं कर सकते सेम टू सेम, या फिर जो यहाँ से आ नहीं सकता, उसको हमने सिर्फ लिखा हुआ है। जैसे कि सैलरी, तो सैलरी को मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इनका नेचर चेंज हो सकता है, इसलिए दोनों जगह मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद ये एक मेथड मैंने यहाँ लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो इनहेरिट होकर आएगा नहीं, जब है ही नहीं तो इनहेरिट कहाँ से होगा। मतलब आपके पापा के पास कार नहीं है तो वो तो आपको इनहेरिट होकर कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है। बाकी के जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इनहेरिट होकर यहाँ पर चली आएंगी। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, यहाँ आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। ये इनहेरिट हुआ है तो ये इसके सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। ओके, सो गाइज आप देख सकते हैं कि एक अभी हमने देखा था क्लास मैनेजर, उसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ा था हमें, लेकिन अभी हमारा कोड सिर्फ इतना सा रह गया है इनहेरिट करने की वजह से, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करने की वजह से। सो इनको मेंटेन करना, इन कोड को डिबग करना ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि कम कोड लिखा हुआ है, और आपको पता है कि ये इनहेरिट हो रहा है यहाँ से, तो आपको पता है कि मुझे कहाँ जाकर चेक करना है कोई इशू होती है नेम रिलेटेड तो। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा और जहाँ भी मौका मिले इनहेरिटेंस को चिपका देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।